गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम नया नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वेदर। आज की डेट आ लीजिए 20 जुलाई 2020। वेदर, वेदर क्या होता है? मौसम। द कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर। हवा की जो हमारे चारों तरफ जो हवा की दिशा है, दशा है, हवा का कैसी है, गर्म हवा है, ठंडी हवा है, जो हमें बताती कि गर्म हवा है तो गर्मी है, ठंडी हवा चल रही है तो सर्दी है, इसको हम वेदर कहते हैं। व्हेन द एयर इज हॉट वेदर इज वार्म। जब ठंडी हवा चलती है तो वेदर गर्म होता है। व्हेन द एयर इज कूल, और जब हवा ठंडी होती है, जब हवा गर्म होती है तो वेदर गर्म होता है, जब हवा ठंडी होती है तो वेदर ठंडा होता है। वेदर चेंजेस ऑल टाइम, वेदर हर समय बदलता रहता है। फ्रॉम डे टू डे एंड सम टाइम फ्रॉम आवर टू आवर। डे टू डे, आज जैसे बरसात हो गई तो वेदर चेंज हो गया, बरसात नहीं हुई, गर्मी है, सन पूरी अपनी गर्मी पे है, अच्छे से चमक रहा है, पूरा रोशनी है सन की, तो उस दिन गर्म होता है। घंटे में, घंटे टू घंटे में मौसम बदल जाता है। अभी धूप, सूरज निकला हुआ था, धूप थी तेज की, घंटे में ही बादल आ गए और बरसात हो गई, तो वेदर चेंज हो गया। कहने का मतलब वेदर कोई फिक्स नहीं होता, घंटे में वेदर की कंडीशन चेंज हो जाती है। सम टाइम द मॉर्निंग इज सनी, जैसे कि इसमें बताया, मान लो कई बार सुबह गर्म है, सुबह का मौसम गर्म है एंड ब्राइट और बहुत तेज धूप है। द नून बिकम क्लाउडी, और जो दोपहर है उसमें बादल छा गए, एंड इट रेन्स हैवली इन द मॉर्निंग, दिन में बादल छा गए और रात को बहुत तेज बरसात हो गई। आप ये पिक्चर में देख रहे हो, सूरज चमक रहा है आसमान में और खूब तेज गर्मी है, दिन में बादल बन गए, देख रहे हैं आप आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, और शाम को बरसात हो गई, रेन हो गई, बरसात हो गई शाम के समय। तो पूरा तीनों मॉर्निंग में, नून में और इवनिंग में वेदर चेंज हो गया। इसलिए किसी भी मौसम को आप कह नहीं सकते कि मौसम कैसा है, घंटे में, सेकंडों में मौसम चेंज हो जाता है। पेज टर्न करिए। द मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन वेदर आर द सन, विंड, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी एंड रेन। जो वेदर चेंज करने के मेन फैक्टर हैं वो सन, सूरज, हवा, बादल, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर जो हवा में नमी होती है उसको मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और बरसात। लेट अस सी हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट द वेदर। अब हम यहाँ देखेंगे कि वेदर को ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सन। आपको जैसे पता है सन हमें हीट और लाइट देता है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। व्हेन द सन शाइन ब्राइटली, जब सूरज तेजी से चमकता है, इट मेक द एयर वार्म, ये हवा को गर्म करता है। सो डेज आर ऑलवेज वार्मर देन नाइट, इसलिए जो दिन है वो रात से गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं और दिन गर्म होते हैं। द सन शाइन फॉर ए लॉन्गर पीरियड इन द समर देन इन द विंटर। द सन शाइन फॉर ए लॉन्गर पीरियड इन समर, गर्मियों के दिनों में जो सूरज है वो दोपहर के समय बहुत तेज चमकता है और लंबे समय तक चमकता है विंटर में, जबकि सर्दियों में सूरज जल्दी छिप जाता है। सो वेदर इज वार्मर इन द सन समर देन इन विंटर, इसलिए गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है। सो वेदर इज वार्मर इन समर, गर्मियों में वेदर गर्म ज्यादा होता है देन इन विंटर, विंटर की बजाय। ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, सुबह और शाम के समय जो सन की रेज धरती पर पड़ती है वो स्लैंटिंग होती है, टेढ़ी होती है। दिस इज बिकॉज द सन इज लो इन द स्काई, इस कारण से जो सन होता है वो क्या होता है, काफी नीचे होता है उसकी सन, तो क्या उसकी रोशनी काफी रेज जो होती है काफी नीचे तक पड़ती हैं। एंड नून द सन इज ओवर हेड एंड इट्स रेज और फॉल स्ट्रेट, और स्लैंटिंग होती है मॉर्निंग और इवनिंग में, लेकिन सन के दिन के दोपहर के समय जो सन की रोशनी होती है सीधी हमारे सिर के ऊपर होती है, मतलब सीधी पड़ती है। दैट इज वाई द नून इज द होटर पार्ट ऑफ द डे, इसलिए जो दोपहर का समय होता है वो सुबह और शाम के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है। इट इज नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, दोपहर का समय ज्यादा गर्म होता है
मॉर्निंग और इवनिंग में इतना नहीं होता, इसलिए लोग मॉर्निंग में सुबह उठ के वॉक कर सकते हैं और इवनिंग में बैठ के भी वॉक करने जाते हैं, आपने देखा ही है। इसलिए दोपहर में, तभी कहते हैं कि बच्चों को दोपहर में ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, आपको एक काम आपको इवनिंग में और मॉर्निंग में करना चाहिए। सेकेंड फैक्टर है आपका विंड। ड्यूरिंग द समर ए हॉट विंड कॉल्ड लू। दिन के इसमें, गर्मियों में जब दिन के इसमें हवा चलती है, वो हवा गर्म होती है जिसको हम लू कहते हैं, ये वेदर को गर्म कर देती है मोस्टली की देश के नॉर्दर्न पार्ट में। ड्यूरिंग विंटर्स कोल्ड विंड मेक द वेदर वेरी कूल। जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो मौसम को ठंडा बना देती है। व्हेन द विंड ब्लो जेंटली, जब हवा ठंडी ठंडी चलती है, स्लोली चलती है, इसको हम ब्रीज कहते हैं। ब्रीज कूल एयर होती है, ये वेदर को बहुत प्लीजेंट सुहावना बना देती है, जिसमें अच्छा लगता है बाहर निकलना और घूमने जाना। लेकिन जब हवा की स्पीड बढ़ जाती है तो उसको स्ट्रॉन्ग विंड्स, जब तेज तेज हवाएं चलती हैं, उसको वो तूफान बन जाता है। थंडर लाइटिंग विंड एंड रेन मेक अप ए स्टॉर्म। तूफान के साथ साथ बिजली कड़कती है, गर्जना होती है, हवा चलती है और बरसात आती है। स्ट्रॉम कैन अपरूट ट्री। स्ट्रॉम से जब तूफान आता है तो पेड़ उखड़ जाते हैं, जड़ें निकल उखड़ जाती हैं उनकी, पेड़ गिर जाते हैं और उनके हाउसेज एंड ब्लो ऑफ द रूफ्स ऑफ द हाउसेज, जो कच्चे घर होते हैं उनकी छतें उड़ जाती है जब तेज आंधी आती है। घरों की खिड़कियां दरवाजे भी बोलने आवाज करने लग जाती हैं यदि खुले रह जाए तो। वायलेंट स्ट्रॉम इन द सी इज कॉल्ड ए साइक्लोन। समुद्र में जब भयानक तूफान आता है उसको हम साइक्लोन और हुरिकेन्स कहते हैं। साइक्लोन्स कैन ब्रेक बोट्स एंड शिप एंड सिंक देम इन टू द सी। साइक्लोन कैन ब्रेक बोट्स, साइक्लोन से समुद्र में जो बोट्स होती हैं, शिप होते हैं, नाव होती हैं, डूब जाती हैं। द वेदर बिकम अनप्लीजेंट, जो मौसम होता है अनप्लीजेंट मतलब सुहावना नहीं होता, बिकम अनप्लीजेंट ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तूफान और चक्रवात के समय मौसम मतलब पेचीदा हो जाता है। उन जो समुद्र में मछुआरे होते हैं उनको वार्निंग दे दी जाती है कि वेदर फोरकास्ट के द्वारा उनको बता दिया जाता है कि आज आप समुद्र में मत जाइए क्योंकि स्ट्रॉम और साइक्लोन आने की संभावना। इस तरह से ये जो विंड है ये भी वेदर को अफेक्ट करती है। ये दो फैक्टर मैंने आपको पढ़ाए, आप इनको रीड कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी।